Hey guys, welcome back to my channel Suri for you. आज बनाएंगे होममेड हेयर केयर ऑयल। जे कोई भी ब्रांड का हेयर ऑयल ले लेना, हाफ लीटर 500 ग्राम। ये नारियल का तेल मैंने पैराचूट कर ली है, उसे पैन में गरम करेंगे। उसके बाद देखिए मैंने क्या क्या मिलाया है, ये कितना क्वांटिटी में मिलाया। ये काला जीरा, और देखिए काला जीरा डेढ़ चम्मच एंड मेथी दाना डेढ़ चम्मच मिलाकर इतना हुआ। बस उसी थोड़ा गर्म होने के बाद तेल डालना है। गैस सिम में रखना है, ज़्यादा गर्म होने से तेल काला पड़ जाएगी। चलिए इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। उसके बाद देखिए गुड़हल का फूल, इसका ग्रीन पोर्शन निकाल दीजिए। ये 15 से 20 गुड़हल का फूल यहाँ डालना है आपको। ऐसे फूल होती है, मैं येलो कलर की का भी डाला हूँ, रेड का भी है, दोनों आप डाल सकते हो। इसे धीरे धीरे हिलाना है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, गैस को सीम में रखना है, ज़्यादा आंच पर नहीं। ये 15 से 20 मिनट लगेगी, शायद ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। धीरे धीरे ऐसे ही हिलाते रहना है हमें। इतना अच्छा ये हेयर ग्रोथ करती है। हम जो मार्केट में लाते हैं ओनियन ऑयल एट्सेट्रा, जो कोई भी हम मेडिकेटेड ऑयल लाते हैं हेयर के लिए, वो इतना अच्छा नहीं होता जितना ये अच्छा होगा। आप घर से बनाने की कोशिश कीजिए, घर में बनाने की, ये बहुत अच्छा होगा हमारे हेयर ग्रोथ के लिए। ये तेल का ऑयल का कलर भी चेंज हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे फ्लावर का कलर भी चेंज होने लगा है। ये अराउंड 7 मिनट ऐसे कुछ हो गया है। देखिए फिर भी चलता है, हमें चलाना है चम्मच में, इधर उधर ऐसे करना है। देखिए उसके बाद धीरे धीरे ये कलर, ऑयल का कलर भी चेंज हो जाएगा। ये अभी तक नहीं हुआ, देखिए काला पड़ गया है अभी, और थोड़ा होने वाला है। ये थोड़ा कहीं कहीं ये लाइट कलर दिख रही है। देखिए चम्मच में मैं स्पून में जो निकाले हूँ, थोड़ा लाइट कलर भी दिख रहा है। ऐसे करके इसे अभी बंद कर देना है गैस। थोड़ी गर्म ऑयल में भी इसे रहने दीजिए। देखिए डार्क, पूरा डार्क हो गया अभी। इसको मैं ठंड मैंने कोल्ड के लिए रख रहा हूँ अभी। चलिए इसको ठंडा होने के बाद ऐसे कुछ बॉटल में डाल दीजिए। मैं छोटा से इस बोतल का जो हूँ छोटा है, इसलिए हमें चम्मच में डालना पड़ता है। देखिए इतना हो गया। सारे कुछ भी इसमें से नहीं निकालना है, इसके अंदर सब रहना है। इसको वीकली 2 बार आपको लगाना है, 2 बार वीकली 2 बार, याद रहे। कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कर देना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये शेयर भी कीजिए, और किसी को हेल्प होगी। थैंक यू।